यार अभी निकल चुके हैं घर से। मैंने कहा सोचा घर पे तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि टाइम नहीं था। मैंने बोला था ना आज पेपर है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं अपना बाहर जाके स्टार्ट कर लेंगे। सो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। यो एंड अभी चलते हैं पहले बस स्टैंड पर, वहाँ जाके आपको मिलते हैं। हम ना स्कूल आ चुका है, सरकारी स्कूल समराड़ा। यहाँ पे जो एंजॉय था ना वो अभी लाइफ में बहुत कम हो गया। सो यार बस आ चुकी है, वो देखो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा दूर है अभी भी, पता नहीं कब पहुँचूँगा और ये बस मिलेगी भी या नहीं। मेरे पास ही आ गया, चलो इसमें चढ़ते हैं। सो बस में बैठ चुका हूँ, टिकट ले लिया, बट टिकट का कुछ और ही बना हुआ है। पहली बार बस बहुत ज़्यादा खाली मिली है, सो जो है अच्छी बात है। अभी देखते आगे आगे बहुत ज़्यादा बस जाती है यार ये। मैंने तो पहले अपनी सीट ले ली जो कि अच्छी बात है। तो अभी बस से उतर चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटी आ गया गेट नंबर 2। अभी जाएंगे गेट नंबर 2 से ऊपर, मतलब ये बैरियल से ऊपर जाएंगे। सो यार अभी बस पहुंच ही चुके हैं यूनिवर्सिटी और नीचे ऑटो लगने भी स्टार्ट हो चुके हैं। जा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉक B2 में। सो अभी मैं जा रहा हूँ B2 की तरफ, वो है अपना B2। अच्छा चम का है अपने सामने वाला छोटा सा पार्क और वहाँ पे बड़ा पार्क, ठीक है। और ये पता नहीं किस चीज़ का डिपार्टमेंट है, मेरे को इतना नहीं पता इसके बारे में, बट अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता है। सो चलो अपने डिपार्टमेंट में चलते हैं। तो मैं मेरे डिपार्टमेंट में पहुँच चुका हूँ, अब चलते हैं अंदर रूम का। डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स, बट सबसे पहले जाएंगे बाथरूम, क्योंकि यहाँ पर एक ही बाथरूम है, बाकी सब ऊपर नीचे। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बाथरूम, बट लड़कों के लिए थर्ड फ्लोर पे सिर्फ एक ही है, बट इट्स ओके। चलो यार बैक टू। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ हुलिया सुधार लिया जाए, बाल तो सेट किए, बट परफ्यूम लगा ले थोड़े से बाल और सेट कर लें। तो चलो बाल सेट, मैं रेडी हो चुका हूँ, थोड़ा सा हुलिया सुधार लिया, थोड़े से बाल सेट कर लिया, बट ये जुल आगे आगे आती जा रही है। सही लग रहा हूँ ऐसे चश्मे के बिना भी। सो चलो अभी 508 में क्लास है, तो 508 में चलते हैं और वहाँ पर क्लास लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या करेंगे। एलसी है जो यहाँ से दिखता है, और यहाँ पे मैं रहा भी हूँ, मतलब जब मैं सॉन्ग वॉन्ग करने के लिए आया था और तब मैं यहाँ पे रहा था एलसी में। बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं एलसी के साथ। चलो अभी 500 आ रही, चलते हैं 502 लास्ट में। यहाँ पे होगा आज हमारा प्रैक्टिकल। ये हमारा किचन है, ये टोमेटोज हैं। आज बनाएंगे कुछ अच्छी सी डिश, देखते हैं क्या बनाएंगे, बाकी आप सबको दिखाई दूंगा। और वहाँ पे स्पाइसेस लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं हमारे, पता चल जाता है कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। सो अगर आपने भी किसी ने पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो यार। इसको रोकना, और अभी नीचे ना मेरी दोस्त आई है, उसको मेडिसिन दे के आनी है, सो उसको मेडिसिन देते हैं और फिर वापस से यहाँ से आ जाएंगे। यही तो अपना किचन है, यहाँ पे तो हमें पढ़ना है। उसको मेडिसिन पकड़ा के आ चुका हूँ, सो अभी चलते हैं क्लास में और धीरे धीरे जो भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा आप देखते रहना। सो चलो क्लास में चलते। आज किचन में चीज़ भी जा के रखा, तो इसका मतलब आज कोई अच्छी चीज़ बनेगी। मिल्क भी है, जुकीनी पड़ी है। प्रैक्टिकल वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो कॉरिडोर में आ गया आपको कॉरिडोर। सो दिखा देते हैं व्यू, वहाँ पे लगता है भाई सब स्टूडेंट्स के व्हीकल फ्री में,
और वहाँ से कितना चल के आना पड़ता है यार यहाँ। और ये अपना एरिया, ये DSW की बिल्डिंग है जो आपको दिख रही है। बाकी स्टूडेंट जा रहे हैं, सो चलो वेट करते हैं और देखते हैं कब सर आते हैं। अभी पास्ता वास्ता बन रहा है और सब्जी वब्जी मैंने क्रैक करके रखी है और यहाँ पे कुनाल लगा हुआ है गाली में। तो अभी लगे हुए किचन में बनाने के लिए सब बंदे मेन्यू, और हमारा मतलब कुछ भी बन गया, और चिकन सभी खा गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा। सो यहाँ पे बन रहा है पास्ता पास्ता का पानी बना दिया। और यहाँ पर मैंने हम सब के लिए चावल वावल लगा रखे हैं। ये मोमोस आए रखे हैं भाई, ये बन गए भाई, खा भी गए सब। तो वो सब यही सब चल रहा है, अभी मिलते हैं आपसे बाद में। सो यार ये बनाया है हमने पास्ता, ठीक है, और बाकी वहाँ पे भी बन रहा है रेड सॉस पास्ता एंड राइस डम्पलिंग्स चिकन विकन सब कुछ बन रहा है भाई। बस हो गई है यार यहाँ पे, और थक गए यार, अब इसके बाद असाइनमेंट देनी है, वाइवा देना है। सो यार अंदर तो मैं थक गया था, अभी मैं पानी भरने के लिए आया हूँ, पानी भरते हैं फिर चलते हैं दोबारा। मैंने बनाया ये वाले राइस, बहुत टेस्टी बने हैं, अब इनको फिनिश करेंगे खा के। नहीं तो मैं क्लास से आ चुका हूँ, सफाई वफाई कर रहे थे तो मैंने थोड़ी सफाई करी और मैं भाग आया वहाँ से। यार अभी थोड़ी देर के लिए बाथरूम में आगे बैठ गया, तो यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। यहाँ पे चेंजिंग हो रही है और यहाँ पे चक्कू उठा लिया गया ना, मैंने रख दिया भाई कसम से, नहीं चक्या। उठ चुका हूँ मैं वहाँ से, बाथरूम चेक करवाते हैं आपको। यार मैंने भी यार मैं फेस वॉश करना भैया लग रहा है, कहाँ हो गया। तो अभी क्लास में आके बैठ चुका, मैं बैठ जाऊँ पीछे बैठ रहा हूँ क्योंकि यार आगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और गर्मी लग रही है, यहाँ पे खिड़कियाँ हैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ मैं आके। अभी सर की वेट कर रहे हैं, और एक काम करता हूँ घर जाके व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, अगर कुछ हुआ दिखाने वाला तो दिखा देंगे, वैसे नॉर्मली चल रहा है सब कुछ। सो यार अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और एकदम एनर्जी नहीं बची है, और पसीना देख रहे हो आप लोग, और यहाँ पर फ़ैन भी नहीं है देखो ऊपर, और बस हो गई है मेरी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी दोस्त एक हंस रहा है वो देख के, ओके, बट फिर भी ये फुल ब्लॉग बनाएगा, और अगर हाँ तो अभी एक काम करते हैं, अभी सीधा घर जाके ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ है नहीं करने के लिए, गर्मी है, स्टूडेंट अभी पढ़ेंगे, कुछ नहीं, कोई इन्जॉयमेंट नहीं। और अब ये वाली क्लास हमने छोड़ दी है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं लगी हमें, क्योंकि इसमें से अटेंडेंस भी पूरी थी और कल पेपर है, सो हमने कहा चलो, और हम पार्क में बैठ गए आके, और अभी बस घर जाएंगे। किस्मत ही खराब अपनी, सर अभी वापस आ चुके हैं अपने शहर में, कॉलेज खत्म करके 5 बज गए, अब चलते हैं घर, और घर जाके ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, सो आज के ब्लॉग को करते यही पे ख़त्म, और वाइवा नहीं हुआ मेरा, मैंने आपको जैसे बोला नहीं है अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को वाइवा नहीं आता था, तो सर बोले चलो नेक्स्ट वीक ले लेंगे आपका वाइवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके भी हुए थे सब लोग, तो दैट्स वाई अब नेक्स्ट वीक होगा हमारा वाइवा। सो अगर आप चाहते मैं ऐसे ही ब्लॉग्स डालता रहूँ ये वाले कॉलेज वाले, तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ, या फिर घर के ब्लॉग डालूँ। मेरे को लगता है कि डालने चाहिए बाहर के ब्लॉग भी, क्योंकि दोस्त वगैरह सबको दिखाऊँगा, इन्जॉय करेंगे। बाकी जैसा ये ब्लॉग था ऐसे ब्लॉग्स और आएंगे, जब मैं अपने पूरे दोस्त के ग्रुप पे जो सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ब्लॉग्स में। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।